महादेवन क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। लेकिन सर पहले तो आप दूसरे पक्ष के दल में थे, अब आपने खुद की पार्टी बना ली है, इसके पीछे क्या वजह है सर? अरे कौन से भारत का पक्ष, कहाँ है वो पक्ष? इस राज्य में बीबीपी मैंने बनाया था। अरे 40 साल से हमारे राज्य के लोगों के आंसू पोंछने के लिए दौड़ा हूँ मैं, ये सब आप लोगों को पता है ना। नारियल के पेड़ को बड़ा मैंने किया और उस दल को खड़ा करने का क्या फल मिला मुझे? बहाने के लिए आंसू, खाना पीना छोड़कर दर दर भटकने की यही सजा मिली है मुझे। तो मन में दुख नहीं होगा, रोने का मन नहीं करेगा? खाने के समय सब एक साथ बैठते हैं पर खाने के बाद मुंह फेर लेते हैं, क्या यही इज्जत देते हैं आजकल के बच्चे अपने गुरु को? यही भरोसा दिखाते हैं वो? मुझे तो ठीक से ABC नहीं आती और ये डी बोलते हैं, ऐसे लोगों को तो ना डी नोटिफिकेशन। देखो कितना बड़ा है ये मैंने किया है ये बोलकर मुझे उल्लू बनाया और जेल भी भेजा मुझे। पिछले सरकार के नेता लोग भी आधे राज्य को बेचकर उसका पानी पी गए। आज मेरे और आपके पास पीने के लिए किसी नदी का साफ पानी तक नहीं है, ऊपर से वो लोग पानी दो ऐसा चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहे हैं। अरे होगा तो देंगे ना हम लोग, ऊपर से मैं तो जातिवादी हूँ, भेदभाव करता हूँ बोलते हैं। सुन लीजिए सब लोग, क्रिश्चियन और मुसलमान मेरी दोनों दो आंखें हैं, हिंदू मेरी धड़कन है, मैं भारत का बेटा हूँ और मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मात्र देव भवा। सुनिए सभी, मुझ पर लगाए गए सारे इल्जामों का जवाब देने के लिए मैंने ये पार्टी बनाई है। ये मेरी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है, ये हम सब स्वाभिमानी कर्नाटकियों की पार्टी है। मेरी उम्र जरूर हो गई है लेकिन अब भी मेरी हड्डियों में दम है, लड़ूंगा जीतूंगा और विधानसभा के अंदर जाकर मैं फिर से बैठूंगा और मैं CM बनकर दिखाऊंगा। महादेवन की जय, महादेवन की जय, महादेवन की जय, महादेवन की जय, महादेवन की जय। आपने अपने दल के ही आदमी को आग लगा दी? जिस दिन उसने हमारा दल छोड़कर कोई नया दल बनाया उसी दिन वो आदमी मर चुका था हमारे लिए, इसलिए इसका संस्कार किया। जब वो आपके पक्ष में थे आपने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी और इसी वजह से वो आपकी पार्टी को छोड़कर निकल गए ना सर। वो खुद नहीं गए, हमने उन्हें धक्के मार कर निकाला है। क्यों सर? सर उन्हें बॉयकॉट करने की वजह, जनता द्वारा दिए हुए हक का उसने दुरुपयोग किया। कर्नाटक के इतिहास में आज तक कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल नहीं गया, बूढ़े बच्चे नौजवान कार्यकर्ताओं को मैंने उसके साथ सेवा कार्य में लगाया और लाखों की संपत्ति भी बनवा कर दी। ऐसे भ्रष्ट लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने भगा दिया। नरसिम्हा की, इसका मतलब आपके लिए वो मर गए? मर गया, 100% मर गया। तीसरे दिन खीर देंगे, तेरहवें दिन खाना होगा, सब लोग आकर के खा लेना, ठीक है? चलिए सर। सर उनको इस बात का पता चला तो वही लोग इनकी पर्ची बनाकर बांटेंगे, राजनीति है सर। लेकिन सर उनके बिना आपकी पार्टी जीत पाएगी? हमारी पार्टी ही जीतेगी, हमारी जीत पक्की है। नरसिम्हा जी की जय, नरसिम्हा जी की जय, नेता 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 जी की जय। सर 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 आपकी इस पदयात्रा की वजह? मेरे पास पैर हैं इसलिए पदयात्रा कर रहा हूँ। शांत रहो। देखिए हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों का दुख दर्द हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए ऐसी कार्य हेलीकॉप्टर में नहीं आए हैं हम लोग। ये कोई सामान्य पदयात्रा नहीं है कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए पदयात्रा और उपवास किया था, जैसे अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए भूख हड़ताल की थी, उसी तरह मैं भी राजनीति से भ्रष्ट नेताओं को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकने के लिए ये पदयात्रा कर रहा हूँ। सर आपको निकाल दिया है। उन्होंने निकाला है,
या मैं खुद निकला हूँ, उनका दल बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैंने सीमेंट घोला है, पत्थर उठाए हैं, चारों तरफ दीवारें खड़ी की हैं, और वो भी अपने पैसों से, खुद अपने पैसों से किया ये सब। और आज हमें निकाल दिया, समुद्र पार्टी के रामास्वामी क्या करेंगे वो दिखाएंगे अब। रंजीता मैडम, आप तो हीरोइन हो, बॉलीवुड की क्वीन, फिर इस पार्टी में आने का कारण? राजनीति, समाज सेवा, दलितों का उद्धार करना, यही मेरा उद्देश्य है। आपने अमेरिका में पढ़ाई पूरी की है, आप गरीबों का दुख जानती हैं क्या? जानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। She used to tell me everything. You know one more thing? सब बोलते हैं राम राज्य बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, पर ऐसे राम के बिना राम राज्य बन सकता है क्या? अगर ये श्री राम है तो क्या आप सीता है मैडम? Oh my God, I'm already married, you know. I got one kid also. Hey, don't joke me, यार। आपको जवाब मिल गया ना, अब हम चलते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन। आप इस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़कर जीत पाएंगे क्या? हाँ, मैं जरूर जीतूंगा। देख लेना, अगली बार जब चुनाव होंगे तो हिंदुस्तान की जनता जरूर मेरा साथ देगी। मैं अधिक से अधिक वोटों से जीत कर पार्लियामेंट में आऊंगा, और इसकी वजह है इन 10 करोड़ लोगों का प्यार। ये लोग जो मेरे साथ हैं, इन्हीं के वोट मुझे जरूर जिताएंगे। आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। जय कर्नाटका। राम स्वरूप जी की जय। 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 नेताजी 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 की जय। अंबिका, क्या हुआ? बच्ची को ड्राइवर के हाथ में दे दो, पब्लिक में तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी इसीलिए। नहीं चाहिए, हार क्यों पहना रहे हो? मारूंगा तुम लोगों को। हार पहना रहे हो, मैं कोई हीरोइन हूं क्या? मैं आप लोगों का सेवक हूं। ये राज्य किसानों का हुआ करता था, लेकिन आज वही किसान हर हफ्ते आत्महत्या करता है। कारण? कर्जा, कर्जा, कर्जा। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टेट डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की जमीन को विदेशियों को बेचा जा रहा है। हम जो खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, पैर में जो जूते और मोजे पहनते हैं वो भी विदेशी हैं। और तो और, भूखे को खाना खाने को तो बोला तो कंप्यूटर देंगे बोलते हैं, कंप्यूटर को खा सकते हैं क्या? इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो बोलते हैं मैं भ्रष्ट हूँ, नीच हूँ, ऐसे इल्जाम मुझ पर लगाए गए। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोले मैं भी इसी धरती का बेटा हूँ। सबूत चाहिए तो मैं अपनी धरती की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। सुनिए, इतना ही, आप अपना बीपी ना बढ़ाओ, इधर दीजिए। मेरे पति किसान, गरीब और औरतों के लिए जान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये आजकल खाना पीना छोड़कर ये सिर्फ हमारे राज्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसके लिए ये जो मेरा मेकअप है यही गवाह है। आपके साथ हो रहे अन्याय को देखकर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति ने आपके लिए आंसू बहाए, रात भर रोए। मेरी शादी की साड़ी से उन्होंने फांसी का फंदा बनाया और फैन से बांधकर मेरे पति फांसी पर लटक गए। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं आ गई और मैंने उन्हें बचा लिया। आप जानते हैं, इनका वजन इतना था कि छत से पंखे के साथ नीचे आ गए और बच गए। सबके लिए जान देने वाले ऐसे नायक को जिताना आपका कर्तव्य भी है और आपकी जिम्मेदारी भी। क्या कहते हो? दोस्तों, अगर इस बार मेरी पार्टी को जिताएंगे तो किसानों का कर्जा माफ, लड़कियों की शिक्षा फ्री और मेरे राज्य के हर बुजुर्गों को मैं वृद्धा पेंशन देने खुद आऊंगा। अगर आप लोग मेरी पार्टी को जिताएंगे तो मैंने जो अभी अभी कहा है वो जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर जीतेंगे। अरे रे, एक दिन छोड़कर एक दिन तो पानी आता है, पर आज पता नहीं क्या हुआ। अरे मेरे पति ने तो एक हफ्ते से नहीं नहाया है। अरे इस पानी के इंतजार में मैं एक हफ्ते से फैक्ट्री भी नहीं गई हूँ। नमस्कार, नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहन जी, कैसे हैं आप? नेता जी, सही टाइम पर आए हैं आप, 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। छोटे मोटे काम के लिए फोन करते हो, यहाँ सब पानी के लिए परेशान है, तो 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास फोन करने के लिए? मैंने सोचा था कि फोन करूं, लेकिन लगा कि आप बुरा मान जाएंगे। मैं क्यों बुरा मानूंगा? देखो इन सबके चेहरे कैसे मुरझा गए हैं पानी के बिना। मैं समाज सेवक हूँ, ये मेरा धर्म है, इसीलिए मैं खुद यहाँ पानी लेकर आया हूँ इन सबके लिए। जाइए बहन जी, जितना पानी चाहिए ले जाइए, जाइए जाइए जाइए। गंगाधर जी की जय हो। गंगाधर जी की।
की। सर यहाँ पर पानी नहीं आया इसलिए आप खुद ही टैंकर लेकर आ गए। इलेक्शन पास में आ रहे हैं इसीलिए क्या? आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमारे पास स्वतंत्रता नहीं होगी तो कौन वोट देगा हमें? बोलो, जनता जो कुछ भी मांगेगी हमारी पार्टी उन्हें वो देगी। सामान्य जनता की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चावल के लिए कतार, चीनी के लिए कतार, पेट्रोल के लिए कतार, अब पानी के लिए भी कतार लगानी पड़ रही है, देख लो। और कितने दिन चलेंगी ये सारी समस्याएं बताइए। सर 10 साल पहले जब आप पार्टी में थे तब आपने कोई उपाय क्यों नहीं किया? मैडम ये पानी का टैंकर कौन लाया है? मेरी पार्टी, मेरी। वो सरकार एक टैंकर भी नहीं भेज पाई इन पब्लिक के लिए। 100-100 समस्याओं का समाधान कौन करेगा? हम लोग करेंगे समस्याओं का समाधान। अगर एक शब्द में कहूँ तो हमारी पार्टी काम की पार्टी है। अम्मा इनको गलत मत समझिएगा, असल में इनके दांत गिर गए हैं ना, इसीलिए नहीं बोल पाए। हमारी पार्टी का नाम है कामधेनु पार्टी। कामधेनु पार्टी। सर इस चुनाव में आपको कितनी सीटें मिल सकती हैं? पूरे 224 क्षेत्रों में से 24 क्षेत्र को छोड़कर हम पूरे 200 क्षेत्र में जीतेंगे। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं सर? वीवीपी तो टूट चुकी है, प्रजा का बुरा हाल है, टाइटैनिक जरूर डूबेगा, ये सब आपको पता ही है, इसलिए हम 200 सीटें जरूर जीतेंगे। बाकी 24 सीटों का क्या? स्वतंत्रता वतंत्रता पार्टी वाले जैसे लोग आपस में बात कर लेंगे। देखिए अगले महीने हमारी रैली में जरूर आना, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, जरूर आना, आइएगा जरूर आप लोग, जरूर। हाँ हम आएंगे गंगाधर जी, जरूर आएंगे, पहले आप जीतिए तो सही। दर्शकों इस बार के चुनाव में 5 महान दावेदार नेता खड़े हुए हैं। इन महान दावेदारों के साथ ही बहुत शांत स्वभाव के हमारे पिछले मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ जी भी खड़े हुए हैं। ये अपने समय के सबसे साफ और बेदाग मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लोगों के भलाई के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। आज भी वो अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में विजय की माला किसके गले में पड़ेगी ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। रमेश बाबू की जय। इस बार इलेक्शन का टिकट वो तुम्हें नहीं, हमें देंगे, हमें। अरे टिकट मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें ही मिलेगा टिकट? बिल्कुल नहीं, मुझे ही मिलेगा। मंत्री जी सभी कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं ना, हाई कमांड से आई हुई लिस्ट को सीधे पढ़ दीजिए ना। रामनगर से केशव ही उम्मीदवार होगा। केशव जी की। अध्यक्ष जी ये लीजिए। कितना लाया है तू? पूरे 3 करोड़। ये क्या सब्जी मंडी समझ रखा है क्या? इतने पैसों में तो मैं तुझे म्युनिसिपैलिटी की टिकट भी ना दूं। नेताजी आपकी पार्टी की मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे ही टिकट मिलेगा सोचकर मैंने हर जगह पर्चे भी बंटवा दिए हैं। अरे भाई 5 करोड़ के लिए क्या रो रहा है, एक बार जीत गया तो 300 करोड़ कमाएगा और तू 3 करोड़ के लिए रो रहा है? हाँ तो दूंगा ना, लो लो ना। नमस्कार नेताजी, चलता हूँ। इस बार राजनगर से रमेश कैंडिडेट है। नगर से चुनाव मैं लड़ूंगा ये कहा था आपने? पिछली बार तो एक भी वोट नहीं मिला था तुम्हें, मैडम ने कहा है कि तुम्हें टिकट ना दी जाए। क्यों कितना पैसा लेकर आए हो? 5 करोड़ क्या भाई, जो मांगोगे वो दूंगा, आपने मुझे टिकट जो दिया है। अध्यक्ष जी मंडी का टिकट मुझे ही मिलेगा ना? ए तू चुप बैठना। ए वो तुझे देखते ही खाली बोतल की तरह उठाकर फेंक देंगे, वैसे भी सारे टिकट बिक चुके हैं, वो एरिया तो रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ फिल्म स्टार के लिए। अरे रे ये सब बेकार है, चलो रात को कुछ बोलते हैं और दिन में कुछ। हाँ, हाँ, बेलगाम से ए सुरेंद्र राव तुम्हें टिकट मिली है। सुरेंद्र राव जी की जय हो। ए अध्यक्ष बेलगाम का टिकट मुझे दोगे ये कहा था ना? इस पर तो पहले से ही बहुत क्रिमिनल केस है, तुझे टिकट देने के लिए हाई कमांड ने मना किया है। ए, अपनी जुबान को संभाल कर तू बात कर। अरे तू 4 शब्द अंग्रेजी का जानता है इसलिए मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ। मैं क्रिमिनल हूँ तो वो सुरेंद्र सिंह क्या साफ है? दोस्त को अपने घर पर बुलाया और उसकी बीवी का रेप कर दिया था उसने, और फिर भी उसको टिकट दे रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? हम लोगों से आज तक तुम बहुत फायदा उठा चुके हो पर तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ। पार्टी के लिए दिल से काम करने वालों को छोड़कर इस जैसे गुंडे मवालियों को टिकट देकर पूरे राज्य को खराब कर रहे हो तुम।
अबे क्या बात कर रहा है साले, तू मेरा टिकट क्यों लेगा क्या? तेरे को तो मैं क्या कर रही है, चुप करो, इसे रोको इन्हें। अरे अरे रुकिए, क्या कर रहा है? अरे अरे कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे अरे रुको इन्हें, अरे बंद करो, बंद करो ये झगड़ा, क्या कर रहे हो? चुप करो, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? पार्टी को भगवान की तरह पूजा जाता है, तुम लोग यहाँ पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी, भागो यहाँ से। अरे तेरा जन्म तो सिर्फ पार्टी का पैसा खाने के लिए ही हुआ है। अरे मेरे बदन से निकले हुए गंध के समान है तुम्हारी ये पार्टी। थू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये पार्टी, दूसरी पार्टी मुझे बुला रही है, उनसे हाथ। आप शुरू करो, कौन आता है सामने मैं भी देखती हूँ। वाह, सुपर, वेरी गुड महेश, वेरी गुड। पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है तुमने। दीदी ये सब बैनर है ना, ये बड़े बाजार के लिए, ये दूसरा रायपुर के लिए, ये तीसरा बेंगलोर सिटी के लिए, और ये देखिए रायचूर के लिए। भैया कहाँ मर गया था? अरे आपके मरने का टाइम आ गया है। क्या बोला? अरे जैसे बिना मुर्गा के मुर्गी अंडा देती है ना, वैसे ही नंददास ने आपके अपोजिशन में किशन को खड़ा। औरत के चमचे कहीं के, वो कृष्ण कुमार अपनी औरत को संभाल तो नहीं पाता है और मेरे पति के सामने खड़ा होकर जीतेगा क्या वो? आप जी, आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, लोग तो नरसिम्हा के नाम से डरते हैं, वो आपको ही वोट देंगे, उस किशन को नहीं। आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे। हाँ, नरसिम्हा जी की, 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 नरसिम्हा जी की। अपने उत्तरवादी प्रकाश को ही चुना, उसके पीछे का कोई और कारण है क्या? जी हाँ बिल्कुल। आपके बारे में कुछ बोल रहा है किशन दास। उस नरसिम्हा को खजाने का लुटेरा कहा जाता है, बस उसी को हराने के लिए मैंने इस कुरुक्षेत्र को चुना है और मैं अपने दल को जरूर जिताऊंगा। पर वो तो आपसे ज्यादा सीनियर और बलवान है, पार्टी के लोग तो उन्हें बीबीपी का खंबा भी बुलाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे सीनियर, राजनीति में कब सीनियरिटी जूनियरिटी आ गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, जिसमें योग्यता है खड़ा होगा और लड़ेगा और जीतेगा। फिर भी नरसिम्हा जैसे व्यक्ति के सामने आप जीतेंगे, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, परीक्षा में जाने वाला हर विद्यार्थी पास होगा यही सोचकर वो जाता है, वैसे ही मैं भी खड़ा होऊंगा, जीतूंगा, अपने दल को जिताऊंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी भरोसे के साथ आप मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिए। पूछिए। एक तरफ आप लोग बोलते हो कि ये किसान ही हमारे देश की शान है, और दूसरी तरफ कर्नाटक में जब आपके दल के लोग गद्दी पर आए तो आपके दल ने क्या किया था? आपके दल के लोगों ने कर्नाटक के इर्द गिर्द हजार गरीब किसानों की जमीन को हत्या कर उसी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, ये आपकी पार्टी का मानना था, ये आप लोगों ने जिद की थी, क्या ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं था? क्या आपने उनकी रोजी रोटी नहीं छीनी? एकदम गलत बात है साहब, हमारे शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया ये तो बड़े गर्व की बात है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने वहाँ के किसानों के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए हैं, ये तो देखिए। आपने उद्योग लगाकर उन्हें क्या काम दिया? मैं बताता हूँ आपको, कुलियों का काम, बर्तन धोने का काम, चौकीदारी का काम, कचरा उठाने का काम, ये सब दिया है आपने कर्नाटक की जनता को, और बोलते हो कि उद्योग लगाया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनिए। छोड़िए वो सब, छोड़िए मिट्टी को, छोड़िए मुद्दे पर आइए। कर्नाटक की जनता को आप मिट्टी के रास्तों को सीमेंट का बनवा कर देंगे, ऐसा आपने कहा था, आपने कहा था ना? बताइए आपने क्या किया? परमिशन तो दी, तो आपने क्या करवाया? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है ये कहकर आपकी पार्टी के लोग रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए, क्या ये जन सामान्य लोगों के साथ गलत नहीं हुआ? कौन सा राज्य सेवा का काम किया है आपने? ये सब राज्य सेवा की बात आप नहीं बोल रहे हो, वो नरसिम्हा आपसे बुलवा रहा है, उसके क्या औकात है आपको पता है? उसका चरित्र कैसा आप जानते हैं? तो बोलिए ना, ताकि जनता को भी पता चल जाए उसका चरित्र। वो सिर्फ एक साधारण बस क्लीनर था। सड़क छाप नेताओं को दारू पिलाता था, उनके साथ बैठता था, उनके तलवे चाटता था, उनसे उल्टी सीधी बातें करता था और उनकी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करके हाई कमांड को सुनाता था। उसने एक बर्तन धोने वाली को पटा कर रखा था। आपको बर्तन धोने वाली बोल रहा है वो? इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा आपको पता है? वो बर्तन धोने वाली औरत है ना, उसका भाई राजन उसको यहाँ तक पहुँचाया।
नरसिम्हा के यहाँ तक पहुँचने के पीछे वो राजन की काली करतूत है। ऐसे सड़क छाप गुंडे लोग सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को विधानसभा में बिठा रखा है, तालिबान में करते हैं ना। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर लाकर सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसे चोर लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो देश में ऐसे ही अराजकता फैलती रहेगी। इसलिए ऐसे चोरों को मार डालना चाहिए, तभी देश में शांति रहेगी, जनता रोटी खा सकेगी। इससे सुदर्शन, इस कार पर जो झंडा लहरा रहा है ना, ये झंडा दिल्ली में लहरा है, यही मेरी इच्छा है। वो नरसिम्हा की कहानी तो खत्म हो गई, आपने टीवी पर उसकी औकात दिखा दी। मेरे पास कितना दिमाग है उसे ये पता चलना चाहिए बस। भव्य भारत पार्टी है, इस बार तो जीत कर ही दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। हाँ। चलो चलो भागो भागो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? राजन, राजन देखो, छोड़ दो मुझे, जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। तुम्हें तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, अभी तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने गलत किया है, देखो मैं कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने जो किया है वो, चुप। क्या रे, मेरे जीजा जी की पुरानी कहानी पूरे कर्नाटक के सामने गर्व से सुना रहा था ना? मेरे जीजा जी के सर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मैं लाशें बिछा देता हूं, और उस पर तू मेरे जीजा के सामने खड़ा होगा। ए, इतनी हिम्मत है तुझमें? हाँ है हिम्मत, खड़ा होऊंगा और तेरी पार्टी को तोड़ूंगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की हिम्मत अभिमन्यु में भी नहीं थी, और तू क्या सोचता है जीत जाएगा, और वो भी सिर्फ बातें करके? हाँ, डरा रहा है क्या? राजनीति में डराने से काम नहीं चलता, बल्कि करके दिखाना पड़ता है। ए जगत, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? खून कर रहा हूँ। ए, खून करके तू ऐसे खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। तुमने देखा क्या? तुमने देखा? तुमने किसी ने देखा? तू ऐसा क्यों कर रहा है? तूने खून किया ऐसा किसने कहा? तूने कुछ नहीं किया। सुनने में आया कि इधर लफड़ा हुआ है, इसलिए हम आए हैं, मगर इधर कुछ भी नहीं हुआ है। आप जाइए ना भाई, जाओ भाई, जाओ भाई। चुप रहना। भगवान, कृष्णा भैया, भैया कृष्णा भैया, आप हम सबको छोड़ के नहीं जा सकते। हे भगवान, एक अच्छा नेता हमें छोड़कर चला गया। सर, 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 नेताजी की मौत के बारे में आपको क्या कहना है? मौत नहीं है, खून, खून हुआ है इनका, प्रजा के प्रभुत्व का खून। ए, हमारा राज्य भी आज देश के दूसरे राज्यों की तरह हो चुका है। चुनाव में खड़े हो गए तो मार डालोगे क्या? इस खून का जवाब मैं जरूर दूंगा। प्रजा के नेता कृष्ण राव के खून के आक्रोश में उनके दल के लोगों ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और बसों में आग लगा दी है। ये दंगे चारों ओर फैल चुके हैं। उनके लोग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दंगे कब रुकेंगे किसी को कुछ नहीं पता। बताइए मैडम, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? इन लोगों की लड़ाई में मेरा बेटा फंस गया, और इन सब में उसने अपना पैर खो दिया। मेरा बेटा हमारे खानदान में इकलौता कमाने वाला था, अब ये काम पर नहीं जा सकता। ये हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ, अब हम जिंदगी में क्या करेंगे कुछ पता नहीं। PNB party president Mr. Nand Rai misbehaved in the public by causing destruction in the public and creating the bomb. You can watch all the things in this picture.
दो दलों के आपसी मतभेद में आम जनता का बहुत नुकसान हुआ है। 18 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 की मौत हुई है और बाकियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। काफी नुकसान होने के कारण हर जगह कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इससे जनता और सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बंद की वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेलकम मिस्टर विश्वनाथ, प्लीज कम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हमारे राज्य की स्थिति देखी जाए तो जहर पीने जैसा लगता है। आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कहाँ पहुंच गया है हमारा राज्य सर? खुद के स्वार्थ के लिए आपस में लड़कर लोगों का नुकसान करवा रहे हैं सर। इधर उधर आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं सर। कहीं हमारे राज्य को गुंडा राज्य कहकर संबोधित ना करे सर, इस बात का डर है मुझे। हमारे जमाने में विधानसभा एक मंदिर के समान था। वहां आने वाला हर एक राज्य नेता सफेद कपड़ों में पंडित समान हुआ करता था। देश को चलाने वाले का मन साफ शुद्ध स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, परंतु ये लोग सफेद कपड़ा पहने हुए छल कपट करके इस सफेद कपड़े पर भी दाग लगा दिया ना। किसी भी राज्य नेता में विद्या नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, राज्य कैसे चलाएं ये मालूम ही नहीं है। राज्य करना मतलब ऐशो आराम की जिंदगी समझ बैठे हैं ये लोग। कर्नाटक ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में बर्बाद ना हो जाए, इससे पहले कुछ कीजिए, मदद करिए सर। राज्य के पहले मंत्री होने के नाते आप प्लीज डू समथिंग टू सेव दिस स्टेट एंड डेमोक्रेसी। ऑफिसर्स, हमारे देश के इतिहास में पहली बार कर्नाटका में 6-6 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां की पॉलिटिकल स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई है। ऐसे में हमें एक ही काम करना है कि वहां पे शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। हमारे कर्नाटक गवर्नर ने राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहां पर कोई अच्छा और सीनियर ऑफिसर भेजा जाए। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा ऑफिसर है तो प्लीज बताइए। सर, आई थिंक तमिलनाडु राघवन इज द बेस्ट पर्सन। व्हाट अबाउट रोबोरियो? सर, रोबोरियो इज गुड पर्सन, बट आई थिंक ही इज नॉट द राइट पर्सन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एक्सक्यूज मी सर, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4-5 जगह पर 20 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि नक्सलिज्म और गुंडागर्दी वहाँ चुनाव होने ही नहीं देते। वैसी जगह पर गुंडागर्दी और नक्सलिज्म को खत्म कर वहाँ के लोगों को शिक्षा देकर जिसने वहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव करवाए, आई थिंक इस काम के लिए द वन एंड ओनली एमिनेंट एंड डायनेमिक ऑफिसर इंदिरा इज द राइट पर्सन सर। वर्क मोर टॉक लेस बोलेंगे, सो फर्स्ट प्लीज अलाउ मी टू वर्क। तब मैं क्या कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा, फिर क्या पूछना है ये भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, प्लीज। We'll be right back.
जानती तूने किसको पकड़ा है? मैंने अच्छे अच्छों को मौत के घाट उतार दिया, तू चीज ही क्या है? मुझे छोड़ दे, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तू नहीं जानती मेरी पहुंच कहाँ तक है। Hey, this is my warning. अगर मैं अपनी पर उतरी तो तेरा साम्राज्य हिल जाएगा। अगर क्रिमिनल मेरा इतिहास पढ़ेगा ना, वो अगले जन्म में मर्द बनकर पैदा होने के लिए भी सोचेगा। तूने मुझसे पंगा लिया है, सोच ले। वेलकम टू द लेजेंडरी ऑफिसर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन पर्सन। थैंक यू सर। इन फैक्ट मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, हार्ड कोर, और लड़कियों के लिए तुम एक आदर्श हो, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ इंद्रा। सर आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही Not कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ही बोलना है तो बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें से तुम अलग हो। थैंक यू सर। कर्नाटक की अभी की हालत तो तुम्हें पता ही है। देखो इंद्रा, तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर जो पूछना है पूछो, जिसे गिरफ्तार करना है करो, इंट्रोगेट करो, अरेस्ट करो, नो बडी विल स्टॉप यू। फाइनली It should be the safeguard, the law and order of the state. कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं और देखो इस राज्य के इतिहास में आज तक निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब संभाल लोगी। सर, सूरज 12 घंटे रोशनी देता है, पर मैं इस राज्य के लिए 24 घंटे रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। यहाँ के लोगों पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है। It's a promise. I'm sure you'll do it. Good luck. Thank you, sir. बाहर से कहीं शत्रु ना आ जाए इसलिए हम हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, लेकिन ये राजनेता लोग देश के अंदर ही रहकर हमारे देश को लूट रहे हैं। मुझ पर मेरा परिवार निर्भर करता है, वरना इन लोगों को बीच बाजार में ले जाकर मार दूं। लेकिन हम लोग अपनी सीमा लांघकर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते हैं मैडम। हमारी धान की बोरी ठीक से बिक नहीं रही, तुम्हारी चुनाव से हमें क्या, जाओ यहाँ से। बड़े आए इलेक्शन इलेक्शन करने वाले, हो गया तुम्हारा इलेक्शन, जाओ यहाँ से। खादी के कपड़े पहनकर वो हमारे देश के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। एक भी इंसान दिखा दो जो सही हो, मैं अभी आपके पैरों पर गिर जाऊंगा, आपके पैर पड़ूंगा, एक बार दिखा दीजिए। व्हाइट यूनिफॉर्म वेयरिंग यूनिट, कमाने का दम नहीं है। आई थिंक वी शुड बैन इलेक्शंस। आई एम गोइंग विदेश, गुड लक इंडिया। उसके मुंह में गोबर पड़े सर, एक सोने की अंगूठी दी थी, मैं जब मुश्किल में थी तो उसको गिरवी रख दी, तो सेठ ने बोला चल भाग यहाँ से, ये तो नकली है। इस बार कोई भी आए वोट मांगने, इसी झाड़ू से उसके मुंह पर फट फट नहीं मारा ना, तो मेरा भी नाम राशि नहीं है। देखिए, ये है आम जनता की राय, पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के बारे में उनकी ओपिनियन, और ये परिस्थिति पैदा हुई है आप सब की वजह से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी सिंसियरिटी को बेच दिया है आप लोगों ने,
जो दल आपको भीख देता है उसकी वजह से। मैडम ये आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही हैं? वो जो सबकी समझ में आ जाए उसी भाषा में बात कर रही हूँ। जस्ट सिट एंड लिसन टू मी। यहाँ मौजूद हर एक डीसी अपने इलाके के सीएम के सामने ही अपने अधिकार का उपयोग करे, अदरवाइज। मैडम हम कुछ भी कर लें, लेकिन उनके सामने हम जीरो ही रहेंगे। जीरो नहीं मिस्टर रविंद्रनाथ, हम चक्र जैसे हैं। अधिकारी लोगों के चक्र के बिना राज्यकारी लोगों का रथ नहीं चल सकता। मैडम हम भी अपना पावर दिखाना चाहते हैं, पर ऊपर बैठे लोग छोड़े तब ना। पावर पदवी में नहीं, हमारे काम में है। आपकी इसी सोच की वजह से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछली बार इलेक्शन में सिर्फ 57% पोलिंग हुए थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू ऑल राइट देन गवर्नमेंट विल बी राइट, इफ यू बोथ आर राइट पब्लिक विल टेक राइट स्टेप। लुक जेंटलमैन, ये सामान्य लोगों का कर्नाटका है, लेकिन हमें कर्नाटका इस तरीके से देखना है। इसमें जो 224 चिन्ह हैं, वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के समान है। इस बार कर्नाटका में होने जा रहे हैं 14th इलेक्शन। पिछली बार जो भी गलती हुई वो इस इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। वोट बेचना और वोट खरीदना दोनों ही अपराध हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे स्टेशन, अरेंज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड बी अलर्ट। कोई भी अगर इलेक्शन का रूल तोड़े तो ऑन द स्पॉट अरेस्ट देम। And I want all the details of political public meetings. Got it? Madam, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोरी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वैसे लोगों को हटाओ। No ID, no voting power. कोई भी आकर पूछे, तो मेरा नाम ले लेना। आयला। अरे भाई इस तरह ट्रैफिक क्यों जाम है? हाँ? आयला वैसे ही टेंशन है, जा तू इधर से। ए तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम है तुझे? हाँ? ए क्या प्रॉब्लम है रे? तेरी अरे क्या कर रहा है? शाना समझता है क्या? क्या है ये सब? लोगों को परेशान करके, ट्रैफिक जाम करके पब्लिक को परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये कटआउट बैनर देखकर पता नहीं चलता हमारे सांप का पोस्टर लगा है, वो यहाँ के सीएम है। मैडम चारों तरफ बैनर नहीं दिखते क्या तुमको? चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना बहुत भारी पड़ेगा। क्या रे चले बैनर लगा। ए, ये क्या है? बात करने से पहले कोई मारता है? तू अपने आप को समझती क्या है? भाई यहाँ किसी औरत पर देवी आ गई है ऐसा लग रहा है। रोकूं क्या भाई? रुको। हे कौन है तू? केस पे हाथ उठा रही है? मैं कौन हूँ तू जानती है मुझे? कौन है तू? मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ। कौन हूँ? कॉर्पोरेटर। मैं रूल्स रेगुलेशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तूने अपने अधिकार में 100 रूल्स देखे होंगे, पर मैंने एक ही रूल देखा है। वो रूल है वन वे ट्रैफिक। इलेक्शन आने पर पब्लिसिटी तो होती ही है, पब्लिक को परेशानी तो होगी ही। होने दो, इसके लिए तुम मेरे कार्यकर्ताओं को मारोगे? ये तो सिर्फ सैंपल था, अब अगर पब्लिक को और परेशान किया तो ऐसा धोऊंगी कि 7 जन्म लेने के बाद भी तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे। ए, क्या करने की तू? जिस समय मैं बोलती हूँ तुम्हारे कान काम करने चाहिए, अगर और कुछ काम किया तो उसके बाद तुम कोई काम करने लायक नहीं रहोगे। मैं हूँ इंदिरा गांधी नहीं। लुक ऑफिसर्स, टू अवॉइड न्यूसेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, कर्नाटका के 30 डिस्ट्रिक्ट के राउडी लोगों को, सारे बुरे लोगों को एक साथ इमीडिएट अरेस्ट करके बंद कीजिए। आई वॉन्ट देम बिहाइंड बार्स। इस बार के चुनाव में कोई भी गुंडागिरी ना हो और चुनाव में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए सारे गुंडों को अरेस्ट किया जा रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट के गुंडों मवालियों को लोकल पुलिस अरेस्ट कर रही है और उन्हें कैद कर रही है। ये सब करने के लिए खुद चुनाव दल ने आदेश दिया है और इसका आदेश ऑफिसर इंदिरा ने भी दिया है।
इस बार सबको न्याय मिले और चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल ना आए, इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। किसी और को भेज। अरे चल जा यहाँ से। चुप। ए, ये क्या तो घुसी चली आ रही है, कौन है तू? इंदिरा। Hey, जिसे तुम अरेस्ट करने आई हो ना, वो गुंडे नहीं है, मेरे दल के कार्यकर्ता हैं। उन गुंडों का चेहरा 108 पुलिस स्टेशनों में वांटेड लिस्ट में है। शक है तो जाकर पूछ लो। तुम जो गलती कर रही हो ना, उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मैं जवाब सिर्फ अपने आप को देती हूँ और अपने काम को। अरेस्ट करो सबको। उसने 5 लोगों को अरेस्ट क्या कर लिया? आप उस ऑफिसर की तारीफों के पुल बांधने लगे। हमारे देश में गांधी जैसे महान लोग भी हुए हैं, लोगों की भलाई के लिए वो भी ऐसी बातें करते थे। लोगों ने सुनी उनकी बात नहीं, क्योंकि हमारी जनता है ही ऐसी। 65 साल से जिस देश को कोई नहीं बदल पाया, वो उसे बदल सकती है क्या? वो इंदिरा चाहे दिल्ली से आई हो या पाकिस्तान से आई हो, मैं उसे देख लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ये कर्नाटक आपका है। आपकी चप्पल को सीएम की कुर्सी पर रखकर इस राज्य को कैसे चलाना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। वाह वाह, मेरे शेर। अरे मेरे शेर, तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर? हे भगवान, जब तक इन्हें चप्पल नहीं पड़ेगी, बुद्धि नहीं आएगी। शाबाश, कर्नाटक में कदम रखते ही गुंडों को लॉकअप में अंदर करके 6 महीने तक उन्हें जमानत न मिल पाए ऐसी धाराएं लगाने वाली तू पहली इलेक्शन कमिश्नर है। किसी के हाथ ना आने का दावा करने वाली वेलकम। हेलो मिस्टर, ये बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर निकलो। विनोद, विनोद, ये अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, यू जस्ट गो आउट। सर, सर बैठिए ना। मैं हूँ। पता है मुझे एंटायर कर्नाटका पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी उंगली पर नचाने वाले, कर्नाटका को अपनी जागीर समझने वाले तुम एक्स होम मिनिस्टर नरसिम्हा के साले हो, देवी प्रसाद अलियास किंचा। पिछली सरकार भी आप लोगों की और आगे आने वाली सरकार भी आप लोगों की, सही कहा ना? करेक्ट, करेक्ट कहा आपने। मेरे यहाँ आने की वजह है, पता है, एक सरकार को जीतने के लिए दल को ज्यादा वोट मिलने चाहिए, उसके लिए झूठे वोट डालने होंगे, अपोजिशन को पता न चले इसलिए बूथ कैप्चर करने होंगे, और अगर कोई बीच में आए तो उन सबको मारना होगा। और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप अपना मुंह छुपाकर बुजदिल की तरह कोने में बैठी रहूं। Exactly, that is the deal. मैं आपकी मदद करूंगी, ये मैंने आपको डायरेक्ट बोला। मुझे क्या चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। बोलिए आपको क्या चाहिए मैडम? देवहल्ली में जगह चाहिए, शॉपिंग मॉल बनाना है बेंगलुरु सिटी में। बोलिए आपको क्या चाहिए? मैसूर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए। बोलिए क्या चाहिए, आधे घंटे में सब करवा दूंगा, आप एक बार बोल कर तो देखिए बस। बोलिए। सभी राजनेता यही आश्वासन देते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। क्या मैं विश्वास करूं? डाउट है। अरे सुना तुमने? मैडम को हम पर भरोसा नहीं है यार। मैडम,
जनता ने भरोसा करके हमें पूरा राज्य दे दिया है और आपको हम पर भरोसा नहीं है? विश्वास कीजिए मैडम प्लीज। आपको जो चाहिए लिख दीजिए। जीजाजी आपने कहा था वो हमारे जाल में नहीं फंसेगी, देखिए ना वो हमारे जाल में फंस गई है। मेरी उसके साथ डीलिंग हो गई है, मैंने उस लेडी बॉन्ड के मुंह पे सील लगा दी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। जीजाजी कुछ नहीं कर सकती, अरे हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। जीजाजी अब वो ऑफिसर हमारे इशारों पर नाचेगी, अरे आप देखते जाइए जीजा। क्यों रे सैल्यूट क्यों नहीं मारा? जानता नहीं अगली सरकार हमारी है, बहुत पछताएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। फिर से बोल। यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोल। जा बेटा घर जाके सो जा, जा जा। जगत यू आर अंडर अरेस्ट। वजह चौदह साल की उम्र में तुमने टीचर को चाकू मारा, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तेरी हिस्ट्री मालूम है मुझे। जेल को तो तूने अपने घर जैसा बना लिया था, फिर अपने स्वार्थ के लिए तूने नरसिम्हा को जीजा बनाया। उसकी सरकार बन जाए इसलिए तूने बहुत जुर्म किए, खून खराबा किया, उसमें तेरी बहन ने भी साथ दिया। तेरे जुर्मों की सारी डिटेल शहर के हर पुलिस स्टेशन में कैद होकर दम तोड़ रही है। तुम्हारी लेटेस्ट डेवलपमेंट, किशन दास के खून से तुमने अपने हाथ रंग लिए। धो लिए? उसी दिन बिस्लरी पानी से अपने हाथ धो लिए थे। इन लोगों से ज्यादा तू जानती है मुझे। फ्रेंडशिप के लिए सही है तू। एक बात कहूं तू मेरे लिए? वेरी गुड वेरी गुड, तू बहुत ही अच्छी कार्य करता है। हाँ टाटा। चल
सिर्फ मेरे माता पिता हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षकों को ही अधिकार है, तू जैसे लोफर को नहीं। तेरे अधिकारों और पॉपुलरिटी का मैं पोस्टमार्टम करवा दूंगा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे कब्जे में है। पूरा कर्नाटका मेरे कंट्रोल में है। टेक हिम। चलो चल 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 चल। दीदी दीदी रुक जाइए, भाई को आने दो। छोड़ कहाँ ना दीदी, तेरी तो। मैडम मैडम ऐसा मत कीजिए, आप मारे दीजिए मैडम। रुक जा, क्या हुआ है तुझे? बोल, जल्दी कर। क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? कोई भूत समा गया क्या? तुझे जितना गुस्सा है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझ में है। तेरे भाई को जेल से कैसे बाहर लाना है मुझे अच्छी तरह पता है। तब तक के लिए चुप चुप। मन की मुराद पूरी हो। कल दोपहर 12:12 पर आपको अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। तो मैं इस बार पक्का मंत्री बन जाऊंगा ना पंडित जी? ऋषि मुनियों को पहाड़ों से आपके लिए बुलाया है और आपके सारे दुश्मनों को इस हवन में मैंने कैद कर लिया है यजमान, और उस पे शनि को बिठा दिया है मैंने। अब मेरी मर्जी के बिना कोई नेता नहीं जीत सकता। अब इस बार सीएम की कुर्सी पर आप ही बैठोगे। शुभ हो शुभ हो। Wish you best of luck, sir. Thank you, thank you. क्या है यार, रुको रुको रुको, सामने आ जाते हैं। Hey, क्या परेशानी है तुम लोगों को? अच्छे काम से जा रहा हूँ, क्या परेशानी है जो रास्ता रोक रहे हो? Hey, मैडम, नॉमिनेशन अकेले फाइल करने जाऊंगा तो लोग बेवकूफ बोलेंगे, समझी? जैसे आपके पीछे इतनी पुलिस रहती है ना, वैसे हमारे पीछे भी जनता रहती है, समझी आप? तेरा भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। इलेक्शन नॉमिनेशन में दो कार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एजेंडा नहीं पड़ा क्या? रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर द व्हीकल्स। पहले पर्चा भर लिया तो तू जीत जाएगा क्या? इस डबल डेकर को अपने साथ रख के तुम चुनाव जीत जाओगे क्या? मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। विश्वनाथ जी की जय हो! विश्वनाथ जी की जय हो! विश्वनाथ जी की जय हो! ऐ तो ठीक से चल नहीं पाता है, चला है चुनाव लड़ने। ऐसे 10-12 पागल लोगों को साथ में लेकर तू मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने चला है? किसी गांव में जाकर ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के बदले मैं जीतूंगा और इस राज्य को चलाऊंगा, ऐसे सपने क्यों देख रहा है तू? तुम में से किसे मारूं जिसे तुझे बुद्धि आ जाए? बोल, उसी को मारता हूं मैं। जाकर भगवान का भजन कर। ए जयकारा लगाओ रे। नेताजी की जय हो! सुनिए साहब, यहाँ ट्रैफिक इतना जाम क्यों है? हमारा जाना बहुत जरूरी है और अगर हम वक्त पे नहीं पहुँचे तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। आप हमारी मदद कीजिए सर, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को भी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर। प्लीज सर,
हमारी मदद कीजिए। ऐसा अगर हुआ तो हम सब फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देंगे। हमारी मदद कीजिए सर, हमारी मदद। अरे अरे उठिए, क्या कर रही हैं? ए, इनकी मदद करो। ओह शिट। नॉनसेंस। भैया की जय हो। भैया की जय हो। भैया की जय हो। रुको रुको ऐसा, रुको ऐसा बोलना। अड़ा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रैली रोकेगा? देख लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, कृपया बाजू में आइए सर। तेरी इतनी हिम्मत मेरे पास आके मुझे काटने की कोशिश कर रहा है? इधर आ, इसे गाड़ी में डालकर आग लगा दो। सर व्हाट इज दिस? आपको परमिशन किस बात की मिली और आप कर क्या रहे हैं? इलेक्शन रूल्स भूल कर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, ट्रैफिक जाम कर दिया, जनता को परेशान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने रोका तो उस पर हाथ उठा दिया। This is too much. आपको रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो मैं करवाऊंगा। क्या है ये सब? क्या बोला तो? आप सर, क्या बोला? कार्य अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। क्या समझता है तू? आप क्या समझता? किया जा सकता है। इंदिरा, मेरी इजाजत के बिना तू मेरी इन गाड़ियों को वापस भेज सकती है? क्या तुझमें इतनी ताकत है? मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा, चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को हटाकर रोड क्लियर कर। इंदिरा, मैं जब नॉमिनेशन फाइल कराने जाऊं तो मुझे जनता चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए और मुझे पब्लिसिटी भी चाहिए। ये सब रोकने वाली तू कौन है रे? हे, जनता को परेशान करके अपनी मनमानी से उसे मुसीबत में डालने वाले तू कौन सा कार्यकर्ता है रे? तुमने अगर सच्चे मन से जनता की सेवा की होती तो अगर तुम घर पर भी सोए होते तो भी वोट करके जनता तुम्हें जिता देती। तू किससे बात कर रही है? तुझे पता है कहाँ खड़े होकर बात कर रही है? पता भी है? मैं कहाँ खड़ी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू कहाँ खड़ा है ये तू बिल्कुल नहीं जानता। आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सका। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा। इस पवित्र वातावरण को तू खराब करने की कोशिश मत कर। चल चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना गांव गांव में भटकने वाली। इंस्पेक्टर, तुझे इतना घमंड है? किसे बोल रहा है गांव गांव भटकने वाली? तूने इस गांव की लंबाई नहीं देखी? गांव के बारे में तू जानता ही क्या है? मुझे गांव की याद मत दिला। ए, किसान के घर पैदा हुई हूँ मैं। अगर मैं औकात पे आई तो तू अपनी औकात को भूल जाएगा। मेरे दिमाग को खराब मत कर। अगर ये दिमाग खराब हो गया तो तू कहीं भी दिखाई नहीं देगा। शेरनी हूँ, दूर ही रहना। Clear them. चल, चलो चलो, चलो आगे बढ़ाओ। Thank you madam, thank you. मैं कहता हूँ खोल इसे, मैं चुप नहीं बैठूंगा। हे इंदिरा, खोल! हे इंदिरा, इंदिरा, खोल इसे, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंदिरा!
तुझे पता भी है किसे अंदर किया है तूने? चुपचाप छोड़ दे वरना बोटी बोटी कर दूंगा। अभी भी शराफत से हमारी बात मान ले और भाई को चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना पुलिस स्टेशन को तबाह करके भाई को ले जाएंगे। सुना नहीं? कौन है ये महात्मा है, गांधी है या नेहरू है? बताओ, बोलते क्यों नहीं? कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक दो टके का गुंडा है, इसे बाहर निकालने वाले तुम लोग कौन होते हो? FIR फाइल कर दी है। अब कोई भी आए, इसका भाई, बहन, बीवी, जीजा, साला कोई भी आए, उन्हें बोलो कोर्ट में आकर मिले। लॉकअप को तोड़ दूंगा, बोलने वाला कौन है? तू है? तू है? नहीं 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 नहीं। मेरे तीन बोलने से पहले ये जगह खाली होनी चाहिए। One, two, भागो, अरे भागो। नरसिम्हा, इस इंदिरा के राज में तेरी कोई वकालत या सिफारिश काम नहीं आएगी। कल सुबह कोर्ट खुलने तक समझा? टेक अ ब्रेक। चल ताला जल्दी खोल। अरे जल्दी खोलो, लेट क्यों हो? मैं क्या करूं भैया, पब्लिक मिलने में देरी हो गई। मुझे क्यों मारा आपने? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलो। अरे बाप रे, इधर भी पब्लिक उधर भी पब्लिक, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एडजस्ट कर लीजिए ना। चलो अब, चलिए 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 मैडम। देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक दो टके का गुंडा है। जब तक मैं उसकी लाश के इंच इंच टुकड़े करके काट कर इस शहर के रास्ते के कुत्तों के सामने फेंकूंगा और कुत्ते उसकी बोटी को खाएंगे, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। नरसिम्हा भाई, वो मीडिया और जनता की नजरों में भगवान बन बैठी है। अगर इस समय आपने कुछ भी किया ना, तो उल्टा आप ही पीटोगे, ये बात पक्की है। इसीलिए सब छोड़ दो। मेरे साथ रास्ते पर बदतमीजी करने वाली को ऐसे ही जीने की सलाह दे रहा है क्या? भैया, औरत की ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए, वैसे भी वो बहुत गुस्से वाली है। इलेक्शन पास आ रहा है, आप शांत रहिए, समझदारी से काम कीजिए। भैया पेट में ठीक से आकार भी नहीं लिया होगा, तब से मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में मेरे सामने आने से भी लोग डरते थे, लेकिन ये औरत मेरे ही इलाके में मेरे ही लोगों के सामने मेरे गिरेबान को पकड़कर मुझे बेइज्जत किया है उसने। न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मैं जहां भी जाऊं हर एक जगह पर न्यूज बननी चाहिए। इंदिरा, हमारे देश में अनपढ़ लोग अपना वोट बेचकर उसे खराब कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग वोट डालते ही नहीं हैं। हमें खाना देने वाला इंसान जहर खाकर मर रहा है, इसे बदलना होगा। अब आप लोग
जाति धर्म को भूलकर वोट डालिए, अच्छी पार्टी को चुनिए। अगर वोट डालते समय कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो इमीडिएटली नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं तो भगा देते हैं। आज तक ऐसा हुआ होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब भी आपको शिकायत करने से डर लगे तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9900008877। शहर के अंदर हो तो 5 मिनट, शहर के बाहर हो तो 10 मिनट। ये सब खाली बोलने वाली बातें हैं। रात को सोने के बाद आप उठोगे इसका भरोसा है ना? वैसे ही हम पर करो, पहले भरोसा करो फिर बोलो। आई मीन अच्छा ही होगा। पूरी तैयारियां कर ली है ना? हाँ चलो। घर में एक अनाज का दाना नहीं है और आपको प्रचार करना है कैनवास के लिए? भाड़ में गया ये कैनवास। 3 साल से चुनाव में खड़े हो रहे हो, कुछ हाथ नहीं आया। देखिए ऐसे गुंडे लोग जब तक चुनाव में खड़े होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तुम बुरा क्यों मानती हो? सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होगी। इंदिरा मैडम जब कमिश्नर बनकर आएंगी तब उस वक्त का कानून देखना, सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखना सच्चाई की जीत होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम अंदर जाओ, जाओ चलो भाई सब लोग चलो। इलेक्शन तो एक दिन मेरी जान लेके रहेगा। शन्नो, शन्नो। शन्नो, शन्नो। सुन नरसिम्हा, क्या कहा? अरे भैया अगर आप पागल कुत्ते की तरह इधर से उधर उधर से इधर घूमेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? क्या तकलीफ है बोले तो? अरे अरे भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। वो साला नटराज जब मीटिंग करता है तो हजारों लोग आते हैं और मैं यहाँ पैसे देकर भी बुलाता हूँ तो क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं कहाँ गलत हूँ बता? अरे वो फिल्मी हीरोइन को बुलवा कर डांस करवा रहा है इसीलिए सब लोग उधर ही घुस रहे हैं, उधर ही। उसकी इतनी वैल्यू है क्या? अरे उसकी वैल्यू के आगे तो दीदी पानी कम चाय है। क्या बोला रे? आपकी कसम मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है।
हीरोइन की कितनी वैल्यू है बस यही बताया भैया। उस औरत को इतनी इज्जत मिलती है क्या? उसे नहीं, जिसकी वो मसाज करती है। सारी हीरोइनों को बुक करो, वो हम सबका मसाज करेंगी। एक्सक्यूज मी सर, ऑल हीरोइन एक ही पार्टी ने बुक कर लिए। तो अब हम क्या करें? जस्ट अ मिनट। ये राजू श्रीवास्तव। क्या रे? साधु कोकिला बुलेट प्रकाश फिक्स कर दूं क्या? अब एक बंदर है तो दूसरा उसका चमचा। अब बेवकूफ लड़के, अरे कोई बड़ी हीरोइन लेकर आओ, बड़ा एक्टर लेकर आओ तो लोग भी आएंगे और पब्लिसिटी भी मिलेगी। सर आप इन दोनों के बारे में जानते नहीं हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मशहूर है दोनों। अरे दीदी क्या? वेरी गुड भैया, मिमी जेटली जाकर उन्हें बुक कर दो। हाँ अभी कर देता हूँ। वो इतना मशहूर है क्या? बेडरूम में चलिए सब बताती हूँ, लियो फॉलो मी। मैं इसका पति हूँ या वो कुत्ता इसका पति है? सेंटर सिटी में एक संदिग्ध आदमी खड़ा है। ए हेलो, ए हेलो, ए चल हट बे, आगे चल। ए तू हाँ मैं डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ए अबे ऐसा क्या सीरियस मैटर सोच रहा है? जो बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम कर रखा, आम जनता को परेशानी हो रही, समझ नहीं आ रही क्या? वो भी भाई की समाधि के सामने। अबे वहाँ देखना। कहाँ? सामने देख। कहाँ? वो है शिव राजकुमार, ये है पुनीत राजकुमार। मैं इन दोनों को जानता हूँ। एक एक्टर बोलता है सोना को खरीद लो, और दूसरा एक्टर बोलता है कि उस सोने को गिरवी रख दो। अब हम सोना खरीदे या गिरवी रख दे, दिस इज माई कंफ्यूजन ऑफ इंडिया। आई एम सर्चिंग एंड नोटिंग द नोट ऑफ वाइन। इन सबका एक ही सलूशन है, ये दोनों भाइयों के बीच में खड़ा है इनका बाप। उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें हर समस्या का समाधान दे देंगे। चलो चलते हैं। वेरी गुड, करेक्ट बोल रहे हो। एक काम और करो, तुम खुद जाओ और ये काम करके आओ। सुन दे। मैं सुन रहा हूँ ना। अबे मेरी बात नहीं सुन रहा? अबे बात तो सुन। अबे सुन दे। कट 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 कट, क्या है ये? जो सिखाया वो भी नहीं कर सकते, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शॉट ओके था ना मैडम? इससे पहले तुम किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करती थी क्या? हाँ बोलो। वो तो सनकी होते ही है, इसीलिए तुम्हें डायरेक्टर बना दिया। आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। सर इस सिनेमा जगत में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी के बाद आप दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आई है सर। ए चाय लेके आ। शुगर फ्री रहना यहाँ सबको। क्या डायलॉग बोलते हो आप दोनों, आप दोनों के मुंह तो दखकर छोड़ी जाने दीजिए। सर हिंदी सिनेमा में सेंसर सर्टिफिकेट हो ना हो, लेकिन आप दोनों जरूर होते हैं सर, इसलिए मैं आप दोनों का फैन हूँ सर। तू मेरा फैन है तो मैं फांसी पे लटक जाऊँ क्या? आप जैसे लोगों को मरना नहीं चाहिए सर। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। असली बात बता भाई, नहीं तो ये गुस्से में आ जाएगा। वो हमारे भैया ने पूछा है कि 11 दिनों के लिए आप लोगों का रेट क्या होगा? सुन 11 दिनों के लिए पैसे से फिक्स कर दे। हाँ, फिक्स कर दे, फिक्स कर दे। 2000 रुपए क्या? अपने मुंह को हार्पिक डाल के धो। हमारे एक दिन की शूटिंग का 2.5 लाख है। मेरे बोल नहीं तो प्रोड्यूसर शूटिंग बंद करवा देगा। कितना होगा? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए? ओ खोखा। भैया शूटिंग स्पॉट पे आया हुआ हूँ, ये बंदर और चमचे का तो पक्का हो गया है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ 3 ही मांग रहा है। बस 3 रुपए? 3 करोड़ रुपए। अरे बहुत ज्यादा है। मेरा क्या भैया, छोड़ दो, कोई और लेकर चला जाएगा। अरे तो बुक करो ना। अबे क्या कह रहा है, सुना तूने? बिना मेकअप के ही एक्टिंग कर रहा है ये। कांग्रेचुलेशन, डील ओके। अरे भाई हमने तो 2 मांगे थे, तो तीसरा किसके लिए मांग रहा था? 2 आप दोनों के लिए, बाकी का बचा मेरे लिए। तेरे लिए? ऐसा था तो हम 4 भी मांग सकते थे यार। हाँ मांग सकते थे। सर ये बताइए एक्टिंग कब से शुरू करनी है? शाम को एडवांस भेजता हूँ, सुबह से ट्रेनिंग शुरू। ओके कल से ही? ये कैसे होगा भाई? अबे गधे फोन कर। अभी फोन दे, एक बार बात कर लेता हूँ। नमस्कार सर, डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? सर एक बैड न्यूज है सर, आज मेरे मामा नहाते समय बाथरूम में गिर गए सर, और वो स्वर्ग से धार गए सर। अब मैं 11 दिनों तक सर शूटिंग पर नहीं आ पाऊंगा सर। सर मेरे मामा का कोई बेटा नहीं था, वो मुझे ही बेटा मानते थे सर, इस नाते मुझे ही अंतिम संस्कार करना है सर, और मैं सारंग को भी साथ ले जाऊंगा। अरे सर जब मैं रहूंगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना, जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरे साथ पूजा करेगा तो थोड़ा पुण्य कमा लेगा ना सर। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू सर। चलो चलो बाय।
अरे वो मंगा वो सामने वाली थी। अरे वो तो बहुत मस्त है। इधर आ, इधर आ। अरे उन दोनों को तुम्हारे लिए ही बुलाया गया भाई। नमस्ते भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। बचपन में हर कोई सोचता है क्या बनना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जज बनने का सपना देखते हैं। लेकिन मुझे एक हास्य कलाकार बनकर आप लोगों की सेवा करने का मन था और बना। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी पार्टियों ने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की थी। क्या कला को पैसे के लिए बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है? तुम्हारी औकात है मुझे खरीदने की? थोड़ा फेंक रहा है, चुपचाप सुनते रहिए। अभी तो कला के लिए हमारे राज्य में रोडवेज है, पर समुद्र यात्रा के लिए समुद्र मार्ग नहीं है। अगर आप हमारे नरसिम्हा जी को जिताओगे तो रेल मार्ग आएगा, समुद्र मार्ग आएगा। इसलिए हमारे नरसिम्हा जी को जिताइए और अपने शहर कर्नाटक में समुद्र मार्ग का मजा लीजिए। भाई आप शहर में समुद्र ले आएंगे, इसकी क्या गारंटी? आप शक न करें, 1947 से पहले हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद मिली ना। जब हमें स्वतंत्रता मिल सकती है तो क्या हमारे शहर में समुद्र मार्ग नहीं बन सकता? जहाँ चाहे वही राह है। इस पार्टी के नेताजी नरसिम्हा जी इंसान ही नहीं है, साक्षात भगवान नरसिम्हा जी है। मुझे अगर तिरुपति भगवान को देखना होगा तो मैं तिरुपति नहीं जाऊंगा, मैं इनके घर जाऊंगा। अगर ये घर पे नहीं मिले तो इनकी फोटो को पूजूंगा। देखिए जनता, हमारे घर के भगवान नरसिम्हा जी को सिर्फ घर का ही ना रहने देना, उन्हें पूरे राज्य का भगवान बनने दो। अगर ऐसा करना है तो आप सबको उन्हें वोट देकर जिताना होगा, विधानसभा में भेजना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सिनेमा के लोगों पर विश्वास न करें, ये सब बहरूपिये हैं। ये नरसिम्हा इन सब का बाप है, उसने राज्य को चलाना सिनेमा में अपने करने जैसा समझ लिया है। ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं, आज इस पार्टी में तो कल दूसरी पार्टी में और परसों तीसरी में, जो जितना ज्यादा नेता लोगों को चुनाव में खड़े होने से रोकना चाहिए। मेरी प्यारी जनता, यदि इस बार मैं जीत जाता हूँ तो राज्य की मिट्टी वाले रास्ते पर तारकोल बिछवा दूंगा। आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री, एडमिशन फ्री, पीने का पानी फ्री, बिजली भी फ्री। अरे ये क्या हुआ? अरे देखो क्या हुआ, बिजली कैसे चली गई? अरे लाइट देखो, धन तेरे की, जैसे इसने बिजली मुफ्त में बोला बिजली ही चली गई। देखो जाके देखो, देखो क्या हुआ सर, लगता है किसी ने बिजली के तार ही काट दिए हैं। इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन है वो? इंदिरा। तू कितना भी गला क्यों ना फाड़ ले, लेकिन मेरे ऑर्डर देने तक इस जगह की बिजली नहीं आएगी। रात 10 बजे के बाद से नो प्रोसेशन, नो मीटिंग्स। तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने हैं पता नहीं है क्या? देखो बेटी, मैंने आज तक राजनीति में कभी भी कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। चल जाकर बिजली चालू कर दे। अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, देखो अंधेरे में रहने वाले लोगों को रोशनी देने वाला गांधी हूँ मैं। चल जाकर बिजली चालू कर दे। कौन है रे, वहाँ जाकर तार जोड़ दे। केईबी, बीडब्ल्यू, एसएसपी, कॉर्पोरेशन, इतना ही नहीं, गवर्नर भी हो तो रूल्स रूल्स ही रहेंगे। इसी वक्त जगह खाली करके चले जाओ, वरना अपने जीवन में तू कभी रोशनी नहीं देख पाएगा। आउट। क्या कहा? गेट आउट। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, कैसी हैं बहन जी? ओए देख, फ्यूचर एमएलए गणेश को। तेरी पब्लिसिटी देखकर तो लगता है कि तू ही जीतने वाला है।
मेरा वोट भी तेरे नाम। इतना ही नहीं, सबका वोट तेरे नाम। क्यों दोस्तों, देखा क्या? इस एरिया का एमएलए तू ही है। चीख चीख के तेरा गला सूख गया होगा, जाकर चाय पी ले, जा। ओए, क्या है, समझ में नहीं आया क्या? जा, जाना। भोसले, हमने इस एरिया में कोई भी कैनवास नहीं किया है। देख गणेश, ये एरिया मेरा है, इस इलाके में सब मेरे लोग हैं, इनका वोट मुझे ही मिलेगा। इस इलाके का एमएलए मैं ही हूँ। इलेक्शन में मेरा तेरा का भेदभाव क्यों लाते हो मेरे भाई? क्यों ना लाऊं? क्यों मेरा मन नहीं करता कि सब की तरह मैं भी 2 साल तक राज करूं? कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन ऐसे गुंडागिरी करके नहीं। ए, गुंडा किसको बोल रहा है भोसले? आम्ही पर गाँव सा है मराठी माणूस, तो चांगला माणूस म्हणून आम्ही सपोर्ट करतो आहे, याचा म्हणजे तुझा काय जातोय? ए देसाई, तू यांच्याकडे किती सुटकेस घेतलाय? हे काय बोलतोय भोसले, मर्यादा में रहकर बात कर। नहीं की तो क्या करेगा? मारेगा, मारेगा, चल मार, मार, मार ना। मेरा एरिया है, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, समझे तू? चल हट। कोई नहीं आ सकता। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, बहुत हो गया। देखिए मैडम, ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहा है। ये सब लोग शांति से कैनवस कर रहे हैं तो तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो? करने दो इन्हें कैनवस, लेकिन ये मेरा इलाका है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ये एक स्वतंत्र देश है, इन्हें रोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें अपना काम शांति से करने दो। मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो? तुम ऑफिसर होगी अपने थाने की। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो लीगल एक्शन लेने के लिए, आप जाकर कैनवस कीजिए। मेरे होते ये कैनवस करेगा? मैंने जाने को कहा ना। रुक, ए झांसी की रानी, अगर ये गया तो जाने वाला और भेजने वाला एक साथ ऊपर जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में नहीं। इंस्टॉलमेंट से तो इंदिरा को भी नफरत है।
जेल में मारेगा। क्यों? आखिर क्यों करते हो तुम लोग ये सब? कब तक इसी तरह लड़ते रहोगे तुम? भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब तो कोई जात पात नहीं थी, तो अब कहां से आ गई? अपने भाषणों में कहते हो कि भारत एक है, लेकिन जब इलेक्शन आ जाए तो जाति एक तरफ और पार्टी दूसरी तरफ। एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके काम से होती है। देश के बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक तुम्हारी तरह जाति को लेकर लड़ने लगे तो हमारे देश की गति क्या होगी? कभी सोच कर देखा है तुमने? देश की जनता शांति प्रिय है, लेकिन बुजदिल बिल्कुल नहीं है। जब अन्याय हुआ था तब कैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के शेर बने? उसी तरह अगर एक एक इंसान कमर कसकर खड़ा हो जाए तो वह अपने आप में ही एक शेर है। जब इंसान अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही बोलेगा, और जब अच्छा काम करोगे तो उससे एक नई सृष्टि बनेगी। भोसले, जिस इंसान में स्वाभिमान होता है वो गर्दन नहीं झुकाता। दैट्स द स्पिरिट। ऑल द बेस्ट। भाई जी दरगाह आ गए, शुरू हो जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई जी हम चर्च में थोड़ी जा रहे हैं, ये लॉकेट उतारिए, अपने गले से उतारिए, नहीं तो थप्पड़ खाएंगे। इसे पहनिए, पहनिए इसे। ये नाटक नहीं, ये आंसू हैं, सचमुच के आंसू। लेकिन सर ये आंसू क्यों? हमारे देश में मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। जैसे हम में अली है वैसे ही आप में बाबा है। इस झूठे को तो मैंने ये डायलॉग सिखाया ही नहीं, ये सीखा कहाँ से? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गांधी जी ने भी ऐसा ही बोला था। अभी तो मैं सोचूं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, आज मैं उन्हीं की कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो मैं एक मुसलमान माँ के पेट से जन्म लेना चाहूंगा और मुसलमान बनकर ही पैदा होऊंगा। क्या बात है, हटिए हटिए, आइए 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 आइए, हटिए हटिए हटिए। माइक सामने आ गया तो कुछ भी बकते जाएंगे क्या? तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे अगले जन्म का छोड़िए भाई जी, इसी जन्म में धर्म बदलना पड़े तो आप क्या करेंगे? बताइए बताइए। बकवास बनकर आज मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। सही कहा, उन चारों पार्टियों को वोट मत करना, वो सारे झूठे मक्कार चोर कमीने लोग हैं। अरे चुप, क्या बकरा है, चुप कर, चुप कर। अरे दूसरी पार्टी के बारे में गलत मत बोल, अभी 10 पिक्चर ही बुक हुई है, अगर हम हार गए तो हमारी बैंड बज जाएगी, समझा? आइए आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए आइए साईं बाबा, बाबा मेरे साईं बाबा, मेरे साईं नाथ, मेरे साईं नाथ, मेरे साईं नाथ, मेरे साईं नाथ। दोस्तों कल मेरे सपने में साईं बाबा आए थे, उन्होंने मुझे कहा मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो नरसिम्हा के हृदय में ही बसा हुआ हूँ। आज से तुम्हारे और सबके साईं बाबा ये हैं, नरसिम्हा जी। बोलो नरसिम्हा जी की जय हो, बोलो नरसिम्हा जी की जय हो। बाबा इलेक्शन जीतेंगे तो इस गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। भाई जी की जय। अब सुन, ये लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हैं बताना मुझे। लंदन जाने के लिए। लंदन जाने के लिए? वो जो सुबह लोटा पकड़ कर जाते हैं ना। अच्छा, तो क्या टिश्यू पेपर है? न्यूज पेपर। हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा कल्प वृक्ष बनेंगे, काम पिशाच, काम देव बन जाएंगे। भगवान से कुछ मांगो तो मिलता है, पर हमारे ये भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो बोलिए अपने नरसिम्हा जी की। नरसिम्हा जी की जय। नरसिम्हा जी की जय। नरसिम्हा जी की जय। नरसिम्हा जी की जय। नरसिम्हा जी की। मेरी इससे सेटिंग करा दे, तेरी गर्दन काट कर तेरे हाथ में दे दे। बाबा की जय। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार तेरी हार मंगा। सारा नेशनल ज्योग्राफी यही चल रहा है। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। साधु शैतान बोलो। रंगा बोलो भाई।
स्कॉच पियो। ये सब ब्रांड हम नहीं पीते गुरु। अच्छा? सिर्फ लोकल लोकल। मुझे पता था इसलिए मैं तुम दोनों के लिए लोकल ब्रांड लेकर आया हूँ। पियो और मरो। चीज करते हैं। अब इसके साथ थोड़ा चखना दो। चखना सोडा। मिलेगा मिलेगा सब मिलेगा। ए राजन। बोलिए भैया। उस दिन जब तूने इन दोनों कॉमेडियन का नाम लिया तो मुझे थोड़ी शंका हुई। वो क्यों? अरे इन दोनों के लिए पब्लिक में इतना क्रेज होगा। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। ये दोनों पागलों के सरदार है। नसीमा, आपको क्या मालूम, जब लूंगी ऊपर किया मैदान उतार तो दुनिया हिल गए। जब उसने अपनी कमीज की बाजू ऊपर मोड़ी तो कर्नाटक से लेकर कारगिल तक उसी का नाम था। सच सच भैया। हाँ भाई, सिनेमा वालों की पॉपुलरिटी और कैपेसिटी क्या है अब तुम्हें पता चल गया ना। अगर हम रास्ते पर एक पैर रख दे तो सारी जनता भागती है रे बुद्धू। बच्चे, तुझे हम सीएम तो क्या, भारत का पीएम भी बना देंगे। हाँ भैया। हाँ भैया। अरे भाई चोरी लगी। By all means। चलो अब हम थोड़ा हल्का होकर आते हैं, तब तक इसे ये पिएगा। ए कुत्ते, ए तुझे बुला रहा है। नहीं तुझे। हाँ भैया। देखो इन दोनों का जो क्रेज है ना, उसे हमें कैश करना चाहिए। वो कैसे? इन दोनों का मर्डर कर। इन दोनों का मर्डर करके वो इल्जाम अपोजिशन पार्टी पर लगा दें तो हमें बहुत से सिंपैथी वोट मिलेंगे, फिर हमारी जीत होगी। भैया ये क्या बोल रहे हैं, वो कलाकार है भैया, कलाकारों को मारना नहीं चाहिए। मलेश। भैया कोई मरे या जिए हमें क्या, हमें तो बस आपकी जीत से मतलब है। वो दोनों मर गए, आप ये सोचिए। शाबाश। इन दोनों को मरना ही है। समझिए कि आपका काम हो गया भैया। चल उनके आने से पहले भाग ले। अरे भाग यार, हमारी राजनीतिक जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अरे तेरे चक्कर में यहाँ फंस गया हूँ, चल भाग निकल यहाँ से। अरे पर हमने भी तो उससे बहुत सारे पैसे लिए हैं। अरे लिए हैं तो क्या जान दे दूँ। मैडम, अरे मैडम को फोन लगा। लगा मैडम मैडम। अरे भाग रे, लगता है कल हमारा। ए रुका, ए चलो भागो, चलो भागो जल्दी। देवी बनकर आपने हमें बचा लिया, वरना हमारे बीबी बच्चों का पता नहीं क्या होता। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स छोड़ो, आप लोग कलाकार हो, लोग आपको अपने दिल में बिठाकर पूजा करते हैं। कला की डगर बहुत कठिन है, कुछ को तरक्की मिलती है तो किसी को नहीं मिलती है, और किसी को बुलंदी पर बिठा देती है। इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी पैसों के लालच में किसी ने तुम्हें अपने प्रचार में बुलाया तो बिना सोचे समझे चले गए। वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या ये कभी सोचा है? आज नहीं तो कल हमारी गरीबी जाएगी, भूख भी मिटेगी, हम एक अच्छा जीवन देखेंगे, ये सोचकर हजारों लोग वोट डालते हैं, उनके साथ छल करते हो। हर एक बात पर डॉक्टर राजकुमार को आदर्श मानकर चलने वाले तुम लोग फिर उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते? गलती हमसे गलती हो गई मैडम जी। चल भाई चल। रुको मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैडम आपने जो हैंडसेट मांगा था ये रहा। लेट मी सी। हाँ ओके। हाँ हाँ बेटा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो। पापा मुझे एक चॉकलेट चाहिए। तुम भी लो बेटा। दीदी मुझे दो ना। थैंक यू पापा। बिल बनवा दीजिए। ओके मैडम। अरे भाई साहब ये कितने का है? 500 रुपए का। बहुत महंगा है बेटा। तुम्हें मैं ये गुड़िया नहीं, कोई दूसरी ले दूंगा। डैडी मुझे ये टेडी बियर चाहिए प्लीज। एक बार बोला समझ नहीं आता, बोला ना कुछ और दिला दूंगा। डैडी मुझे टेडी बियर चाहिए। चल चल यहां से। डैडी मुझे टेडी बियर चाहिए। छोटी मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुझे ये गुड़िया दिलाऊंगा, तू रो मत। हां बेटा ये लो। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। नहीं नहीं मैडम, बच्ची ही तो है, लेनी दीजिए ना। नहीं मैडम, आज तो आप इसे दिला देंगी, कल फिर ये किसी ऐसी चीज के लिए जिद करेगी तो मैं दिलवा नहीं पाऊंगा। ये 500 रुपए की गुड़िया मेरा एक हफ्ते का राशन है मैडम, प्लीज माफ कीजिए, ये आप ले लीजिए। सॉरी मैडम। चलो बेटा चलो 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 यहाँ से। मैडम मैडम
बिल पे कर दिया है। ओके कम। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। इसे स्वीकार कीजिए महाराज, और इस बार मैं ही सीएम बनूं और इलेक्शन जीतूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव, विजयी भव। पर मैं ही सीएम बनूं, इलेक्शन जीतूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमारी पार्टी को वोट देना, मुझे ही वोट याद रखना तुम लोग। लीजिए। भूलिए मत, हमारी पार्टी को ही वोट दीजिएगा। देखिए भूलिएगा मत, बच्चे को मुझे दो। आप फोटो खींचो भाई, बच्चे के साथ फोटो खींचो। ये लीजिए, औरतों को दीजिए। देखिए माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद के साथ आपका वोट भी चाहिए माँ जी। हाँ ये लीजिए, देखिए देखिए, पता खोल कर देखिए माँ जी। हाँ अब तो आपको याद रहेगा ना, वोट देने जरूर आना माँ जी। लाओ मुझे दो, मुझे दो। एक मिनट। अरे ये आपका ही घर है क्या? हाँ सर। ओह समुद्र पार्टी को ही वोट दीजिएगा, ठीक है? समुद्र पार्टी को वोट देना है, समुद्र पार्टी को। नेता समुद्र जी, पार्टी हमारा वोट ही नहीं, हमारे बॉस का वोट भी आपको मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, कौन है आपके बॉस? उधर देखिए सर। तुम लोगों को कुछ समझाओ तो, वो समझ में नहीं आता है ना? मेरी प्रिय जनता, अगर हम आपको पान के पत्ते और फूलों के साथ आप लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग कोई गलती कर रहे हैं? अगर उसी पान के पत्ते को चबाकर थूक दूं तो तुझे कैसा लगेगा? ए सोन, हम अपने घर में बैठकर बहुत से भलाई के काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता, मैं इस जनता को बहुत पसंद करता हूँ। मैं राम हूँ, इसलिए दान कर रहा हूँ। तेरा नाम राम होने से तू राम नहीं बनेगा, पैसे की ताकत दिखाकर तू राम राज्य नहीं बना सकता। नमस्कार सर। सर 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 सर, वोट पाने के लिए दूसरे नेता टीवी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, पंखे दे रहे हैं, लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं सर। लालच देकर उकसा कर वोट खरीदना, हमारा संविधान इस बात की कभी इजाजत नहीं देता। हमारी जनता को तो सुख समृद्धि और शांति चाहिए होती है, इस विश्वास से वो हमें वोट देते हैं। जो बिना स्वार्थ के इस देश को चलाएगा वही एक सच्चा नेता होता है, और वही एक सच्ची पार्टी होती है। अगर मैं जीत गया तो अपनी जनता की दिल से सेवा करूंगा। वेरी गुड,
साड़ी बांटी सोना बांटा, अब टीवी बांट रहे हो। हमारे नायक में कितनी पावर है ये तुम जानती तक नहीं हो। तुम्हें तो पता है ना, उतना ही काफी। ऑफिसर, ये कर्नाटक है, यहाँ पर जहर से भरे हुए बहुत से जहरीले सांप हैं। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कर्नाटक की मिट्टी से दूर हो जाओ। कर्नाटक की मिट्टी बहुत शुद्ध है, और उससे भी शुद्ध है यहाँ की नारी, ये तू पहले जान ले। अरे बेटी, तुम ऐसे ही हड़बड़ा रही हो, मैं तेरे पिता समान हूँ। तू ना मेरा पिता बनना, ना मैं तेरी बेटी बनूंगी। पहले तू एक अच्छा नेता बनकर दिखा। फर्स्ट यू क्लियर द फील्ड। मतलब? मतलब यहाँ से चला जा। नमस्कार कमिश्नर साहिबा, आइए आइए आइए। बिन बुलाए दोस्तों को हमसे बहुत प्यार होता है। थैंक यू साहब। वोट किसको दोगे? नरसिम्हा को दूंगा। ये लोगों की जान बचाने वाली संजीवनी वाहन है, तुम जैसे गंदे लोगों के नीच काम के लिए नहीं। क्लियर ऑल द थिंग्स। हेलो मैडम जी, सुनिए, मैं यहाँ पर गरीब लोगों को खाना बांट रहा हूँ, मुझे छोटे और बड़े में कोई भेदभाव नहीं है। पेट भर के खाना खिलाते हैं तो पुण्य मिलता है। साल के 365 दिन तुम यही करते तो मैं मानती। ए, कोई सुनता क्यों नहीं, यहाँ के दाल डालो ना। ए, तुम लोगों में थोड़ी भी बुद्धि नहीं है क्या? खाने का कर्ज चुकाने के लिए ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा दोगे, वोट डालने के बाद इनको तुम्हारी याद 5 साल बाद ही आएगी। आपको क्या लग रहा है ये आपकी भूख मिटा रहे हैं? नहीं, आप इनको जिताकर खुद आत्महत्या कर रहे हो। वाह वाह वाह, मैडम ने तो जादू ही कर दिया। सामान्य लोगों का दिल जीत के शायद नेतागिरी में उतरने वाली है। तुम्हारा सीएम बनने का कोई प्लान है क्या? माइंड योर टंग। प्लान स्कीम ये तो जैसे थर्ड रेटेड पॉलिटिशियन करते हैं। न्याय नीति धर्म माय एजुकेशन, माइंड इट। चलो जाओ अपना अपना काम करो। चुनाव में कर रहे भ्रष्टाचारी लोगों की घुसखोरी को नाकामयाब बनाया जा रहा है। इन सब के पीछे जो हमारी नई इलेक्शन ऑफिसर आई हैं, मिस इंदिरा, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। काला धन पकड़ा गया है। इंदिरा, इंदिरा, जल्दी सेल खोलो। क्या हुआ भाई? वो हरामजादा मुझसे कहता था कि ये दूंगा वो दूंगा, लालच दे दे के मुझसे न जाने कौन कौन से काम करवाए। लेकिन अब मैं यहाँ बंद हूँ और उसे सारे लोग शाबाशी दे रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए मुझे एक बार बाहर आने दो। अगर मैंने उसे बॉम्ब से बांधकर ऊपर न पहुंचा दिया तो मेरा नाम जगत नहीं। जगत? इसी वायरलेस से अलर्ट करवा देता हूँ। खोलो इसको, खोलो, खोलो जल्दी खोलो। खोलो, नहीं खोलो, जल्दी खोलो। वो जिस गाड़ी में चलती है उस गाड़ी में बम लगाने की हर तरह की तरकीब सभी लगा चुके हैं। यहाँ बैठ कर अपना बीपी मत बढ़ाओ, कुछ और भयंकर सोचो तुम। ये जो तुम लोग मेरे सामने सैल्यूट मारते हो, नमक मेरा खाते हो और इज्जत उसकी करते हो, तुम सबको मैं यही शूट कर दूंगा। मार दो भाई। अगर आपको ये जीवन नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए। वो पुराने पुराने रूल्स लगाकर सब लोगों को अंदर करती जा रही है। हम नमक हराम नहीं है भाई, हमने कोई बेईमानी नहीं की है। अब हमें क्या करना है बताइए। ये मर्दानगी अभी तक कहाँ थी, अचानक कहाँ से आ गई? मैंने जो कहा है वो करो। ए रुको रुको, चलो चलो इधर चलो। चेक किया तुमने? हाँ सर, चेक किया है, डेड बॉडी ही है। जाने दो। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। बंद करके नीचे आ जाओ।
जगत जगत मुझे दो। ये देखो ब्रेकिंग न्यूज में क्या आ रहा है। पार्टी ने जो पैसा भेजने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं, उनके भेजे हुए ब्लैक मनी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली कमिश्नर इंदिरा को चारों तरफ से जय जयकार मिल रही है। करीब 200 करोड़ रुपया जब्त। हमारे कर्नाटक में होने वाले 14वें इलेक्शन में पैसे बांटने के लिए हमारे नेता लोग बाहर के स्टेट से काला धन मंगवा रहे हैं, और अगर उनसे कोई पूछे तो वो कहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। धोखा दे दिया मुझे, उन नोरों ने धोखा दे दिया। मैडम एक सवाल, ब्लैक मनी आपको कहां से मिली मैडम? गुड क्वेश्चन। देश ही मेरी जान है ऐसा मानने वाले एक जेलर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। आज उन्हीं की मदद से मैं ये सब कर पा रही हूँ। झूठ बोल रही है ये। मेरे पैसे भी खा गए और मेरी पीठ पर छुरा भी भोंक दिया। मेरा विश्वास कीजिए, आपके घर में कुत्ता लाना है, वो कौन सा कुत्ता लाना है वो मैंने पूछा था। डबल गेम? मैं नहीं, वो खेल रही है। तेरी तो मेरे साथ धोखा। मेरे साथ धोखा किया तूने। मैडम, क्रिमिनल्स लोग जो तुम्हें पैसा देते हैं वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन उनकी मार आज पता चल गई ना, तुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाए तो डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। लेकिन अगर तू खुद रिजाइन कर दे तो मरते दम तक आराम से खाना खा पाएगा। मैडम, मैडम। बेटर रिजाइन एंड गेट लॉस्ट। इंद्रा! चिल्ला मत, लोगों को साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं। लोगों ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुम्हें? पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा कि दोस्ती किसे कहते हैं और दुश्मनी किसे, और उस दिन तू पछताएगी कि तुझे कर्नाटक के कमिश्नर की पोस्ट क्यों मिली। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि अगली बार धरती पर जन्म लेने से पहले तू 10 बार सोचेगी। ये सब करने के लिए तुझे इस 4 दीवारी से बाहर भी तो जाना पड़ेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर को तूने इतना मारा ये बोलकर मैं एक ऐसी FIR फाइल करूंगी कि सारे लॉयर्स इकट्ठा होकर ग्रुप स्टडी क्यों ना करें, तुझे छुड़ा नहीं पाएंगे। शायद तू अच्छी तरह जानती है कि अंधी कोर्ट को सबूत चाहिए। इनको ले जाकर तू गवाह बनाएगी क्या? पुलिस की गवाही कोर्ट नहीं मानती। यस, लेकिन चोर तो साक्षी होते हैं ना। उधर देख। होते हुए यहाँ बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? तेरा नाम इंद्रा है, अब तक तू यहाँ क्यों खड़ी है? सुन इंद्रा, अपना वक्त जाया मत कर, तेरे दो साथियों को और उड़ाने वाला हूँ मैं। नो, जा जाकर बचा ले उन्हें। कम ऑन।
ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, बी काम, काम, ओके, क्विक, क्विक। नो मैडम, आई कांट, टाइम इज अप, एवरीबॉडी रिएक्ट द प्लेस। मैडम प्लीज, मैडम चलिए, मैडम मैडम चलिए यहाँ से, मैडम तेरे सारे वफादार कुत्ते आग में जल रहे देख रही है ना? नेताओं से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है पता चला? तूने अपने आप को इस धरती का भगवान समझ रखा है ना, लेकिन मैं राक्षस हूँ, राक्षस। क्या चाहिए तुझे? मुझे तू चाहिए, तू। बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसी नक्सलवादी का हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। किसी नेता का भी हाथ हो सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तू कौन है? ये सिर्फ इंडिया जानता है, लेकिन मैं कौन हूँ वर्ल्ड जानता है। मेरे बारे में पता है तुझे? पता है, लेकिन किसके लिए और किसके कहने पर तू ये सब कर रहा है? आश्चर्य हो रहा है क्या? हम हमेशा से एक ही थे, बस लोगों के सामने एक दूसरे पर हावी होते थे। आज तेरी मौत का कारण हम ही पांडव बनेंगे। तू एक औरत है, इलेक्शन कमिश्नर है, तो हम लोग क्या तेरे चमचे हैं? हम सब लोगों की राजनीति खत्म करने की तूने शपथ ली है क्या? हाँ, इतनी सी बुलेट काफी है तुझे सुलाने के लिए। लेकिन हम चुप क्यों हैं तुझे पता है? इलेक्शन। अब चुपचाप हमारी बात सुन। हम पर जो भी इल्जाम लगाए उन्हें सब खत्म करके किसी को खबर किए बिना शहर छोड़कर चली जा, नहीं तो ऐसे ही लाशें गिरती रहेंगी। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग आम जनता की जान क्यों ले रहे हो? उनकी किस्मत है, इस देश में गरीब बनकर पैदा हुए हैं, इसलिए मरना उनका नसीब है। हम इंजीनियरिंग या MBBS करके राज्य के कामों में नहीं उतरे हैं। लोगों को मारकर, उनसे बदला लेकर, उनकी शवों पर चलकर अपना रास्ता बनाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाथ जोड़ने से पब्लिक वोट देगी क्या? पागल है जनता, पता है उसका वोट चाहिए तो डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, तब वोट देती है। अरे ऐसे से लाता तो लोगों को काट कर डालना चाहिए। हरे हरे नोट दिखाकर वोट मांगेंगे तो कौन पागल हमें वोट नहीं देगा? और फिर भी वोट नहीं दिया तो काट डालेंगे। किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि ये सब नहीं चाहिए, तुम बस अच्छा काम करो, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। ए, इस देश की जनता जो है ना, माचिस की तरह है, दिमाग से काम ले तो कभी भी जला सकते हैं, धुआं धुआं उठेगा। पब्लिक बोले तो चप्पल के नीचे आने वाला कचरा, पत्थर, धूल, मिट्टी जैसे हैं। पब्लिक तो भिखारी है, भिखारी। अरे भिखारी हम नहीं, भिखारी तू है जो वोट मांगता है। क्या हुआ सर? वहाँ पर जो भी चल रहा है टीवी पे लाइव आ रहा है। ए, यहाँ जो भी चल रहा है वो सब टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कहा? क्या बोल रहा है? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट। कैमरा, तुमने अपनी सच्चाई खुद ही बयां कर दी। अब मैं काम शुरू करूं? Yeah.
बॉस को छोड़ना नहीं, खूब मारो खूब मारो। अरे आज पता चला चप्पल की मार कैसी होती है। भैया वो चप्पल से मार रही है, थोड़ी तो मदद करो। अरे जिसका खुद का घर उजड़ गया वो दूसरे की क्या मदद करेगा। हे भगवान। अरे चलाओ जल्दी चलाओ। अरे बाहर पागल हो गया क्या, दौड़ क्यों रहा है, गाड़ी में बैठ। अंदर आकर बैठ जा जल्दी। चला चला जल्दी चला। बिना चले कार का मजा ले रहा था मैं। क्या बकवास कर रहा है तू, क्या हुआ? कार में इंजन नहीं है, बिना इंजन के कार नहीं चलती। भागो इंदिरा, भागो। ए वो देखो वो आराम कर भाग रहे हैं, चलो चलो उनको पकड़ के मारते हैं। भिकारी बोलता है और वही 5 साल के बाद इस पब्लिक के तलवे चाटने आता है। मारो मारो कमीने को, मारो मारो इन्हें, मारो मारो इन्हें, उसके नजर पाए, मारो उसके नजर पाए, मारो इन्हें, छोड़ के दिया इन्हें, मारो जला जला इन्हें। रुको मैडम, नहीं इन 5 लोगों को जला देने से हमारा समाज बदल जाएगा क्या? जलाना है तो इन्हें नहीं, अपने अंदर के स्वार्थ को जलाओ। ये इतना रोष इतना गुस्सा आज तुम्हें आया है ना? जब इन लोगों ने लात मारी थी तब कहाँ गया था? इन सब की करतूतें आज पता चली ना तुम्हें? इंडिया मैच हार जाती है तो तुम धोनी के घर पत्थर मारते हो, अगर नेता गलत करे तो उनके घर जाकर पत्थर क्यों नहीं मारते हो? अब तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई है, बोलते क्यों नहीं? घर में अगर बच्चे गलती करें तो उन्हें घर से निकाल देते हो, और अगर वही नेता लोग गलती करें तो आप लोग उन्हें कुर्सी से जरूर उतार सकते हैं। ये नेता लोगों ने होटल बनवाए हैं, कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, स्विस बैंकों में न जाने कितने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं, और ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे इन्होंने बहुत महान काम किया है। हमारे पैसों को क्यों लूट रहे हो, कभी आप लोगों ने पूछा है इन भ्रष्ट लोगों से? ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना चाहते हो तो इन्हें कभी वोट मत दो। मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनकर देश को सही रास्ते पर चलाए। ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? आज के दिन एक सामान्य इंसान 30x40 की जमीन नहीं ले सकता, और ये नेता लोग डी नोटिफिकेशन के नाम पर गरीबों की हजारों एकड़ जमीन छीन रहे हैं। इलेक्शन में ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, गरीबों पर खर्च करे तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा। आपका वोट अन्नदान विद्यादान से भी बड़ा है,
इस बात को समझिए और हमारे कर्नाटक को ऐसे दरिंदे लोगों से बचाइए। ये जो आंदोलन है वो आज के लिए नहीं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है। हमारा कर्नाटक ऐसा सुंदर राज्य बन जाए कि भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाए। आज से आपको किसे वोट करना है, कैसे करना है, ये सब आपकी मर्जी। थिंक बिफोर यू एक्ट। लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट्स एन एक्शन। जय हिंद। आपने अपने नाम की तरह ही काम कर दिखाया। आपकी सेवा से हमारे राज्य को बहुत उद्धार हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।